हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अर चैनल। आज हम बनाएंगे करेला फ्राई। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। करेला फ्राई बनाने के लिए हमने लिया है सबसे पहले करेला, और इसे ऐसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। और इसके बाद हमने लिया है 3 से 4 मीडियम साइज़ का प्याज। तो चलिए अब चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। पहले हम कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे तेल। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल का, आप चाहें तो किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, और जीरा जब चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे करेला जो हमने कट करके रखा हुआ है। ध्यान रहे, जब भी आप करेला फ्राई बनाएं तो सबसे पहले करेले को आधा पका लीजिए 50%, उसके बाद ही आप प्याज का यूज़ करें। और करेला डालने के बाद हम इसे तेल में अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद हम साथ ही साथ इसमें अब डाल देंगे नमक। तो एक बड़े चम्मच में यहाँ पे नमक का यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद इसे हम मिला लेंगे वापस। और अब हम करेले को कवर करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ध्यान रहे, जब भी आप करेला फ्राई बनाएं तो करेले को ज़्यादा चलाएं नहीं, जैसे बाकी सब्जियों को हम चलाते हैं, क्योंकि बार बार करेले को चलाने से करेला जो है और कड़वा हो जाता है। तो अब हमने इस स्टेज पे इसे कवर कर दिया है 3 से 4 मिनट के बाद। वापस इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए, करेला जो है वो थोड़ा सा कुक हो गया है। और जब भी करेला फ्राई बनाएं आप तो लो मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं, हाई फ्लेम पर नहीं बनाएं, नहीं तो वो पकेगा नहीं अच्छे से। तो इसे हम अच्छे से चला लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, यानी कि एक छोटी चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। करेला फ्राई में बाकी मसालों की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक मिर्ची या फिर ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ हल्दी पाउडर और नमक जाता है। और बहुत इजी है ये बनाना, बहुत बेसिक सा मेथड होता है इसे बनाने का। और अब हम इस स्टेज पे डालेंगे प्याज, क्योंकि करेला जो है हमारा 50% कुक हो गया है। तो मैं यहाँ पर प्याज डाल लेती हूँ। और प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे प्याज को। मैंने यहाँ पे प्याज को मिला लिया है अच्छे से। तो अब हम पकाएंगे, जब तक ये प्याज अच्छे से पक न जाए तब तक हमें पकाना है, मतलब लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं इस तरह प्याज को भी पकने में। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। और प्याज डालने के बाद वापस एक बार फिर से हम इसे कवर करके पकाएंगे, ताकि प्याज जो है वो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे हमें बनाने में। 2 से 3 मिनट बाद वापस इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, प्याज और करेला जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे क्रिस्पी बनाएंगे, क्योंकि ये जो करेला और प्याज जो है एकदम कुक हो गया है, अब हमें इसे क्रिस्पी बनाना है। तो यहाँ पे हम फ्लेम को हाई करेंगे और इसे कंटिन्यू चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए, करेला जो है थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी होने लगा है। अभी हम थोड़ा और इसे क्रिस्पी करेंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पे भी गैस को ऑफ करके इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली कुक हो गया है। बट अगर आप इसे क्रिस्पी करके खाएंगे तो और अच्छा लगता है खाने में और ज़्यादा कड़वा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए, करेला जो है हमारा प्रॉपरली क्रिस्पी हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कितना ईजी है बनाना है इसे, और इसमें तेल भी बहुत कम लगता है अगर आप नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई का यूज़ करते हैं तो। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ, आपको जिसमें भी सर्व करना है आप निकाल सकते हैं। करेले फ्राई को आप रोटी या चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर प्लेन दाल राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।